सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो पार्ट टू का है। फोटोशॉप के बारे में हम जो सीख रहे थे वो फोटोशॉप पार्ट टू है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यू फाइल ओपन करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि बहुत ही जरूरी है। क्या होता है कि जब हम न्यू फाइल लेते हैं तो कंट्रोल एन प्रेस करके या फाइल में से ओपन मेन्यू में जाके न्यू पर सिलेक्ट करके वो न्यू ले तो लेते हैं न्यू फाइल, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप ये नहीं समझते हैं तो आपके आउटपुट में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक आ सकती है। जैसे मान लीजिए आपको वह पिक्चर जो है प्रिंट करवाते हैं, तो वो प्रिंट का कलर अलग आ जाना, उसकी साइज सेम ना आना, पूरी साइज में फोटो ना आना, या प्रिंट करवाते हैं निकलवाते हैं तो उसमें भी सेम नहीं आना, या फिर आप और भी वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई पीसी आपने इसे सेव कर ली और वो किसी अदर फोन में आप जब उसे डालते तो वो चल नहीं रही है, वो ओपन नहीं होती उसमें, या फिर आपके फोन में तो ओपन हो जाती है, दूसरों के फोन में ओपन नहीं होती, सेंड नहीं हो रही, वेब पर नहीं जा रही, या फिर प्रिंट अच्छे से नहीं आता, पूरा प्रिंट नहीं आ रहा, या फिर अच्छे से चलती नहीं, HD क्वालिटी नहीं मिलती, हाई डेफिनेशन क्वालिटी नहीं मिलती, रोलिंग नहीं होता, बहुत सारे इफेक्ट जो आपको समझना बहुत जरूरी है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ के लिए माफी चाहूंगा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फोटोशॉप CC के जरिए फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, लेकिन मेरे PC में कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से वो सॉफ्टवेयर अभी नहीं चल पा रहा है। पहले चलता था, पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं आपको फोटोशॉप CS पर यह सब सिखाऊंगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, दोनों में सेम ऑप्शन होते हैं, सेम क्वालिटी होती है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, कुछ भी फर्क नहीं होता, दोनों में सेम ऑप्शन होते हैं बिल्कुल भी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहेंगे, ये देखिए जैसा मैंने उसमें बताया था, ये स्टाइल बार आ जाते हैं, इधर प्रॉपर्टी बार या वो प्रॉपर्टी बार, इधर टूल बार, ये देखिए सारे के सारे बार जो है आपके सामने उसी तरह से है जैसे उसमें होते हैं, सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वो बस ये था कि वो वर्जन थोड़ा मेरा फेवरेट था, मैंने खूब ज़्यादा यूज़ किया था उसको, इसलिए फोटोशॉप लगभग मैंने 4 साल तक इसके फोटोशॉप के सारे वर्जन में यूज़ करके आपको बेस्ट वर्जन के मैं ये सिखा रहा हूँ, जिससे आपका वर्क काफ़ी अच्छा होगा। तो फोटोशॉप CS आप डाउनलोड करें वो काफ़ी अच्छा होगा, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और फोटोशॉप CC यदि आप वही चलाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप बाकी फोटोशॉप को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजीली हो जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं न्यू फाइल ओपन करने की, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल न्यू टेक इजी को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद पास में आएगा एक छोटा सा नन्हे से पहले से बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूले, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर डालें कि आपको और क्या सीखना है, कुछ छूट तो नहीं गया। जैसे जैसे कुछ छूटता है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, नेक्स्ट लेसन में बता दूंगा, जो कि ये कोर्स लगभग 3 से 3.5 मंथ तक चलेगा और आपको बहुत ही गहरी नॉलेज मिल जाएगी फोटो एडिटिंग के बारे में, जो कि एक आम स्टूडियो के पास भी नहीं होती। लगभग 4-5 साल से मैं फोटोशॉप को यूज़ कर रहा हूँ, कोरल ड्रा ये सॉफ्टवेयर से एडिटिंग के, वीडियो एडिटिंग के सब यूज़ करने के बाद में आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इनके बारे में कोर्स चलता है, किस तरह से इनके बारे में लोग सीखते हैं। आप ऐसे डायरेक्ट एक दिन में कुछ नहीं सीख सकते कि आप एक दिन में सीखना चाहे तो आप जल्दी भूल जाएंगे, और प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आप करते जाएंगे मेरे वीडियोज की, मैं वादा करता हूँ कि आप एक बेहतर ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं न्यू फाइल ओपन करने की। आप सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर फाइल में जाके आप इस न्यू पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंट्रोल एन देखिए इसकी शॉर्टकट आ रही है, यहाँ से दबा लीजिए, या फिर आप फाइल में जाके न्यू पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने एक ड्रॉपडाउन विंडो खुलेगी, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इनके बारे में सभी के बारे में हम अच्छे से सीख लेंगे। ये कस्टम है जिसपे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो भी फाइल है जो है। सबसे पहले आप यहाँ पर नाम सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम नाम दे लेते हैं SEMP, सैंपल है ना। उसके बाद में आपके सामने पहला आता है डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, ये जो फोटोशॉप की पहले से साइज होती है जो कि 5-7 की होती है, जो आजकल की वेडिंग डिजाइनिंग में जो हम एल्बम में यूज लेते हैं वो 5-7 की होती है, 5-7 की होती है, या फिर आप सिंपली कोई फोटो निकलवाने जाते हैं तो वो 5-7 की साइज ही सिंपल देता है, नॉर्मल साइज जो 5-7 होती है, शादी के लोगों में सबसे ज़्यादा यूज साइज जो ली जाती है वो 5-7 होती है। उसके बाद में जब आप देखेंगे US पेपर है,
यदि आप पेपर में जो डिजाइन लेना चाहते हैं यानी जो यूनिवर्सल पेपर्स आते हैं उनके लिए या फिर स्टाम्प वगैरह के पेपर के लिए, आप यूएस पेपर को सिलेक्ट करें और यहाँ पर देखिए आप लेटर, तो आप इस पे लेटर पर कोई सा भी जो आपके प्रिंटर के अनुसार अच्छा रहे वो सिलेक्ट कर लीजिए। इनके बारे में क्या है मैं बाद में बताऊंगा, एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में जो आप देखेंगे ये इंटरनेशनल पेपर, तो इंटरनेशनल पेपर में कुछ नहीं होगा, ये जो हमारे प्रिंटिंग के साइज़ के जो पेपर आते हैं वो होते हैं, उनकी ये जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आती है, आप इन्हें देख सकते हैं। और जो हमारा जो प्रिंट जो नॉर्मली प्रिंट होता है, फोटोकॉपी जो हम करवाते हैं, सॉरी जीरोक्स जो हम निकलवाते हैं, उनके लिए A4 साइज़ आती है उस प्रिंटर के लिए। जो बड़े प्रिंटर होते हैं उनमें A6 A5 A3 भी चलते हैं, A4 जो हमारे नॉर्मल प्रिंटर है उसके लिए आता है, इसलिए यहाँ पर A4 दिया हुआ है। तो A4 साइज़ इसकी नॉर्मल होती है। जिसकी ये बात करें रेजुलेशन की, तो 300 आप यदि प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो 300 ही रहने दे, 300 पिक्सल्स पर इंच तो होना ही चाहिए, तो ही आपकी फ़ोटो जो है बेस्ट आएगी, बेस्ट क्वालिटी की प्रिंटेड होगी। उसके बाद में आ जाए कलर मोड। कलर मोड में आप देखेंगे रेब कलर, CMYK के कलर, यदि आप प्रिंट कर निकलवा रहे हैं या फिर बेहतर से बेहतर क्वालिटी चाहते हैं प्रिंटिंग में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो CMYK के कलर ही सिलेक्ट करें। CMYK के कलर आपके लिए सबसे बेस्ट कलर होता है, तो मेरा सजेस्ट करना ये होगा कि CMY कलर ही आप सिलेक्ट करें। CMY के कलर में आपको सारे प्रिंटिंग के बारे में अच्छे से मिल जाएगी, और 8 बिट की जगह यहाँ पर आप 16 बिट सिलेक्ट करें, जिससे क्या होगा कि आपकी क्वालिटी देखिए आप देखेंगे आपकी जो ये फाइल है वो 16 66 MB की हो जाती है, साथ ही दुगने MB की हो जाती है, परंतु आपको एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी देती है, बहुत ही शानदार क्वालिटी देती है। तो मेरा सजेस्ट करना है कि आप 16 बिट पर रहने दें। बैकग्राउंड में आप वाइट बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर फिलहाल वाइट पेपर ही रहने देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है फोटो की, तो फोटो साइज होती है जो आप जैसे लैंडस्केप के बारे में बताऊंगा, 3 3 बाई 2 की, और यहाँ पर रेजुलेशन आप 300 ही रहने दें ताकि बेहतर क्वालिटी आपको मिल सके। यदि आप कम MB में से चाहते हैं, तो आप फोन के लिए यूज करते हैं, तो आप इस यहाँ पर 200 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल मैं 300 ही रहने वाला हूँ, रहने देने वाला हूँ, और सारा बीट आप यहाँ से रखिए, अच्छी सी फाइल की जो है डिजाइन आ जाएगी। ये था फोटो के लिए। उसके बाद में जो वेब के लिए, यदि आप इंटरनेट वगैरह पर अपना जो वेब है इंटरनेट वगैरह पर फोटो डालना चाहते हैं, तो बहुत ही कम साइज की फोटो चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पर फिक्स साइज दी होती है। जैसे यूट्यूब वगैरह पर हम चैनल लोगो वगैरह बनाते हैं, प्रोफाइल इमेज वगैरह बनाते हैं, या थंबनेल जो होती है वो बनाते हैं, या फिर फेसबुक वगैरह पर अपलोड करते हैं, फेसबुक पर तो आजकल सारे MB की हो जाती है, उस पर भी ज़्यादा 20 से 25 MB से ऊपर नहीं हो पाती, अच्छे से क्वालिटी भी उसकी अच्छी आए और वो कम MB में भी बने, इसके लिए आप वेब सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस पर यहाँ पिक्सल्स पर आप जो अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग है वो आप या यहाँ पर पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर आप CMYK के कलर ही रहने दें, तो कलर की काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद में जो बात कर लेते हैं मोबाइल एंड डिवाइसेज की, जो छोटे मोबाइल आते हैं उनके लिए 176x208 जो आप देख रहे हैं, 176x208 की ये साइज़ होती है, और जो ठीक ठाक मोबाइल होते हैं 208x320 के होते हैं, और 240x320 के होते हैं, और जो हाईएस्ट मोबाइल जो आज की डेट में चल रहे हैं वो 352 416 के मिलेंगे आपको, मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग ये सब आते हैं। आप पिक्सल्स में इसे देखेंगे, यदि आप कोई रेजुलेशन दिखेंगे तो बेहतर रहने दीजिए, यदि आप अच्छे से और HD जाते हैं, यदि आपका फ़ोन बड़ा है तो आप बेहतर से आगे 150 तक आप इसे कर सकते हैं, अच्छे से ज़्यादा ना लें, क्योंकि फिर ये बहुत ही हैवी बन जाएगी शायद चलने फिर, और आप बैकग्राउंड उसी तरह से रहने दें। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो फिल्म एंड वीडियो, जैसे आप फिल्म एंड वीडियो में देखेंगे तो आपका जो फिल्म एंड वीडियो के लिए 700 पिक्सल × 480 की जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आपके सामने आ रही है, जो काफ़ी HD पिक्सल्स क्वालिटी होती है, चाहे तो आप 1080 ले सकते हैं। ये फिल्म एंड वीडियो आपके टेलीविज़न के लिए है, आपके लैपटॉप वगैरह के लिए है, या फिर आपके डेस्कटॉप के लिए है, तो उसमें अच्छी सी क्वालिटी देगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1000 पिक्सल हाई डेफिनेशन HD है, जो DVD वगैरह में चलने के लिए बहुत ही HD पिक्सल्स आपको देती है। इसका रेजुलेशन स्टाइल आप यहाँ पर से 200 कर ले, क्योंकि ये बहुत ही बेटर होता है 200 के लिए। तो ये देखिए RGB कलर की जगह आप वही CMYK के कलर चुनें, ताकि DVD और जो आपके टेलीविज़न है उसमें अच्छे से जो कलर आपने एक्सपेक्ट किया था वो कलर ही आपको मिले, क्योंकि कलर चेंज नहीं मिलता। कई स्टूडियोज कहते हैं कि आप देखा होगा कि उसकी फ़ोटो में बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी कलर आती है, वो कारण यहाँ पर CMYK के कलर का ही होता है। हम उनके सेम प्रिंटर लेते हैं, सेम कैमरा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी नहीं दे पाती, तो यहाँ पर आता है CMYK के कलर। ये मिस्टेक लगभग बहुत सारे स्टूडियोज कर बैठते हैं और उनकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती है फिर, और फिर हम देखते हैं कि ये क्या होता है हमारे साथ, उसकी फोटो अच्छी क्यों आती है, पिक्चर्स अच्छी क्यों आती है।
ये हो जाता है हमारे साथ यहाँ पर। और ये जो कस्टम जो लास्ट में हमारे पास में आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने की फोटो चाहिए। ये बात आ जाती है जब हम बैनर वगैरह बनवाते हैं बैनर के लिए, या फिर बैनर डिजाइन जो है बड़े बैनर बनवाना चाहिए, तो आप यहाँ से अच्छे से साइज दे सकते हैं। तो आप इसे इंचेज में ले लें, फिर आपकी जो फिट है कितने फिट का आपको बैनर बनवाना है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से इंचेज में इसे ले लें, तो आप कितने फिट का है उसको फिट को इंच में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि कितने इंच का आपको चाहिए कितने इंच का आपको नहीं चाहिए। इस तरह से आप यहाँ से वो ले सकते हैं, और ये फोटो बैनर के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर रेजुलेशन आप देख ही रहे हैं, रेजुलेशन आप यदि प्रिंट निकलवा रहे हैं तो मैंने कहा था कि आप 300 ले तो आपकी अच्छी साइज आएगी। और यहाँ पर इंचेज में आप कन्वर्ट करें कि कितने इंच का आपको वो चाहिए, मतलब बैनर कितना बड़ा चाहिए वो फिट में आप नापेंगे, और फिट को फिर इंचेज में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए कितनी ऊंचाई का और कितनी जो है चौड़ाई का आपको चाहिए इंचेज में आप यहाँ से कन्वर्ट कर दिए। और जो आपका रेजुलेशन हो वो 300 पिक्सल पर इंच होना चाहिए, और यहाँ पर 16 बिट सिलेक्ट करें ताकि आपकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आए। इसमें बताने लायक बातें यही थी। फिलहाल मैं आपको एक न्यू फाइल ओपन करके ले लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज। इसको जैसे हम ओपन करेंगे इस तरह से हमारे पास सामने डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज आएगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो फोटोशॉप के लिए ना अधिकतर शॉर्टकट्स ही यूज़ में लें, शॉर्टकट्स आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। यदि आप प्लस यूज करना चाहते हैं ये, तो आप सीधे से जूम इन जूम आउट करने के लिए आप जूम टूल का यूज करेंगे। टूल्स क्या होते हैं जूम टूल्स, ये देखिए, तो आप इनका यूज करें। टूल्स के बारे में एक एक के बारे में बाद में बात करूंगा। टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप कंट्रोल प्लस करके इसे जूम कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करके इसे वापस क्या करते हैं जूम आउट कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी साइज आ जाएगी, इस तरह से आपके सामने वो फोटो आ गई 5:7 की। और अब आप जो यहाँ पर देखेंगे जो कलर सिस्टम है वो यहाँ पर भी आपको CMYK के कलर ही सिलेक्ट करना है। ये देखिए CMYK की जो यहाँ पर सिलेक्टेड है वो कलर आपको सिलेक्ट करना है। और देखिए ये CMYK के कलर आ गया, CMYK के कलर आ गया, ये आप सिलेक्ट रखिए ताकि आपकी जो प्रिंटिंग है वो जो आप एक्सपेक्ट आपने कलर्स की थी कि जो कलर के बारे में एक्सपेक्ट की थी वो कलर ही आपके सामने है, या फिर आपके मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप की स्क्रीन पर भी जो आपने एक्सपेक्ट किया था वही कलर आपको दिखे, या फिर आपने जो कलर चाहा था वही कलर आपको दिखे, या फिर आपके कलर्स में कोई चेंज नहीं हो, अच्छे से क्वालिटी आए, हाई क्वालिटी आए, HD क्वालिटी आए, उसके लिए आप सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये थी आज की फाइल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आप कैसे न्यू फाइल ओपन करने वाले, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपके आउटपुट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और ये CMYK के कलर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखें। बहुत सारे स्टूडियो जो होते हैं इस पर गलती कर बैठते हैं, उनकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, फिर वो आप वो कहते हैं कि उनके स्टूडियो तो बहुत अच्छी फोटो निकालते हैं, वो स्टूडियो तो बहुत अच्छी फोटो निकालते हैं, हमें क्यों नहीं निकाल पाता, उसका रीज़न ये होता है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेयर्स की। जो लेयर्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, लेयर का मतलब परत होती है, जो आप ऊपर से ऊपर लेयर के बिना आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं, जो मैं अभी वो चीज़ें आपको बताऊँगा धीरे धीरे कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में इस पर काम अच्छे से करना आपको बताऊंगा ताकि आप ये सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से बहुत फास्टली वर्क कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में डालें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट डालें, आपके कमेंट पर हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं आपका है, हमारा नहीं आपका है, आप इस चैनल पर जो चाहोगे वो ही होगा, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, आपके कमेंट्स पर ही हम वीडियोज़ बनाते हैं। चलिए दोस्तों बाय बाय, अभी के लिए इतना ही।